हेलो गाइज, की हाल ने? 76वें दिन के ब्लॉग तुहाडा स्वागत है। अज असी चले सी गुरद्वारा कटाणा साहिब, जिसनू गुरद्वारा तेग साहिब भी कहा जाता है, जो कि पिंड कटाणी कलां विखे मौजूद है। इस गुरद्वारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा इतिहास है, वो भी तुहानू वीडियो विच दसांगे। तुसीं वीडियो नू जल्दी जल्दी शेयर कर दिओ तां जो होर लोग भी इस गुरद्वारे इतिहास बारे जाण सकण। इस अस्थान ते सब तो पहला छेवीं पातशाही ते उस तो बाद दसवीं पातशाही ने चरण पाए। अते इस अस्थान का एक होर इतिहास आ जो अंग्रेज़ों नाल संबंधित है, उस बारे तुहानू दसांगे। इस तो पहला तुसीं वीडियो नू जल्दी जल्दी शेयर करियो तां जो होर लोगों नू भी इतिहास की जानकारी हो सके। ये नहर जो तुसीं देख सकते हो, इसनू सरहंद फीडर नहर कह जांदे ने। इस तो अगे बहुत ज़्यादा नहरां पाड़दियां ने। यह नहर सीधी अंग्रेज़ अफसर मिस्टर स्मिथ सी जिस नूं उह लैके आ रहा सी। ते इस अस्थान ते बेरी साहिबा जो छेवें पातशाही ते दसवें पातशाही की याद में अज भी सुशोभित है, उसने उस बेरी नूं टक्क लाया ते कहा कि जो नहर है वह मैं नक्क दी सीध नाल लैके आ रहा, तो इस तरह अगे भी लैके जाऊँगा। पर जदों उसने बेरी नूं टक्क लाया तो अंग्रेज़ अफसर जो इसका नाम मिस्टर स्मिथ सी वो अन्ना हो गया। ये तुसीं नहर देख सकते हो, सामने गुरु घर भी तुसीं वो भी देख सकते हो। तो उसने अपनी जो गलती सी वो मन्नी ते इस जगह पर उस समय 51 रुपये दे कराई। जो बाकी इतिहास आ असीं जिथों फोटो खिंच के नाल ब्लॉग दे असीं अपलोड करांगे, तुसीं इतिहास पढ़ सकते हो ते इस अस्थान पर दर्शन करन आ सकते हो। असीं भी गुरद्वारा देगसर साहिब देख करवाई सब तो पहला। देख कराने उपरंत असीं गए दरबार साहब मत्था टेकण। दरबार साहब अंदर ढाडी वारां चल रही सन, अजी थोड़ा समा वह सरवण कीतियां ते इस उपरंत जो असीं देख करवाई सी उसका भोग लवाया गया ते बाबा जी कोलों प्रसाद लैके असीं चले गए सरोवर वल नूं। कल लगे सी 5 शनाना सरोवर च खाना देखणे मच्छियां कर ला। मच्छियां कुछ नहीं कहदियां तैनूं, किन्ने सरोवर दिखाते मंदे तेरा जी नहीं करता ना बाहर आने नूं, नहाउण जी कर देना। तैनूं कहा कपड़े लिया जद तक लैके नहीं आया, चल मूँह साफ कर ला नवा लैके। वो सामने बच्चा नहा रहा, देखो तुसीं देख सकते हो किन्ना प्यारा लगता, वो किन्ना प्यारा लगता बच्चा देख। चल चलिए मंदे का जा इतने अगर बीचर गया कहना मैं नहाँ लगना मंदेक मुड़िया देखो निकल नहीं हैगी तो मुड़िया मुड़िया मंदेक मुड़िया आ जा आ जा आ जा आ चल आ जा मंदेक बहुत टाइम हो गया बाहर आ जा। बाहर निकल मंदेक बाहर निकल आ जा। फिर तेन मैं पहला क्या कपड़े ले आऊँगा, मैं तेन क्या कपड़े ले आ तू लैके नहीं आया, तेन कहा कपड़े लिया तू लैके नहीं आया। फिर हूँ तेरा जी करता फिर चल आया हूँ बहर। हाँ चल चलिए आप प्रसाद लंगर चलीए हूँ आप चलिए। हाँ लंगर च प्रसाद छकना जरा मंदिर किसी गुरुद्वारे नहीं छड़ता है, मत्था बाद चो टेकता है लंगर छकन पहला जाता है ना मंदेक। यह तो उन्हें गुरुद्वारा चोला साहब भी बह गया लंगर छकन कहना लंगर छकना नड़े घरों से प्रसाद छक के गया। हाँ ये बाला लंगर च बहता है तो छकता भी प्रसाद पांच पांच घर भावें एक खावे ये गुरुद्वारे में पांच पांच प्रसाद जागता फिर यह चले लंगर च हमला कर ये चलो चलो। चल मुंदे चली आप लंगर छकन मुंदे किन्ने प्रसाद छकने झूठ बोलने वाले छक लेने दिने बड़ा झूठ बोलता ठंडी का जगह पर आ गया लंगर च सच्ची गल लंगर छकना नहीं अभी लौड़ नहीं है लंगर छकन की रख भेजता भांडे रखन हमें चलिया तो लंगर छकन तो बाद ही चलने बाहर लंगर हाउस को।
ਉਹ ਬੇਰੀਸਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰੁੱਖ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਤੋਪ ਚਲਾ ਲਏਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੜਾ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਹੈ ਮੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਦੇਖ ਲਾ ਦੇਖ ਲਾ ਦੇਖ ਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ। ਅਸਲੀ ਆ ਅਸਲੀ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਨੇ। ਧਰਮ ਲਿਆਇਆ ਜੋੜੇ, ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਬਲੌਗ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।